सुरक्षा प्रबंधन लैके इस समय वड्डा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि 15 तो 20 मिनट का जो हुसैनीवाला तो बठिंडे वाली साइड से निकलते हैं 15 तो 20 मिनट का जो काफिला है वह रोकया गया। सो इस समय वड्डा सवाल जड़ा है पीएम की सुरक्षा लैके खड़ा होंदा है कि 15 तो 20 मिनट जड़ा है वह काफिला क्यों रोकया गया, किसने रोकया गया, कि पुख्ता प्रबंध नहीं सके। और सूत्रों के हवाले तो इस समय वड्डी खबर भी आ रही है कि पंजाब सरकार ने और फिरोजपुर जड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव है उन्हें एक सख्त संज्ञान लेंदे हुए फिरोजपुर SSP नूं सस्पेंड कर दिता है, क्योंकि पीएम मोदी जड़े ने वो जाते वायरे कह के गए ने, तंज कस के गए ने सीएम चन्नी के उत्ते कि आप दे सीएम नूं दस दिओ कि मैं बठिंडा तो सुरक्षित वापस चला गया। सो रैली पहला रद्द होंदी है, रैली तो बाद यह कहा जा रहा कि शायद मौसम का जो मिजाज है उन्होंने देखते हैं रैली रद्द हो गई है, क्योंकि हुसैनीवाला तो निकलते हैं, हुसैनीवाला तो कहते कि 15-20 मिनट का रास्ता आ और कदे भी जोड़े पीएम मोदी स्टेज के उत्ते आ सकते हैं। स्टेज के उत्ते कैप्टन अमरिंदर हुणी, फतेह जंग बाजवा, हंसराज हंस वर्गे वड्डे नेता जोड़े से इंतजार कर रहे थे और संबोधन भी शुरू हो गया से, क्योंकि समा जोड़ा हुसैनीवाला तो मेन स्टेज पर जाने फिरोजपुर की 15-20 मिनट का समा लग रहा काफले में, पर काफिला लेट होया। काफले लेट होने तो बाद खबर अचनचेत आती है कि मोदी का पीएम मोदी का जोड़ा एक हम रैली जी है रद्द कर दी गई है, संबोधन नहीं कर पाएंगे। सब सोच रहे थे कि शायद मौसमी मिजाज करके जोड़ा है वाला फैसला लैके गया, क्योंकि उत्थे लोग भी जोड़े ने पहुँच नहीं सके, पर हूँ खबर निकल के आ रही 15-20 मिनट तक काफिला रोका गया और सिक्योरिटी लैब्स को लैके एक वही खबर है। उस तो बाद MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पंजाब सरकार तो जवाब मंगया कि कितने जी है चूक रह गई है, और ANI के हवाले तो उन्होंने ट्वीट भी कि जाते वार पीएम मोदी साहब जोड़े ने वो दस के गए ने, तंज कस के गए ने सीएम चन्नी के उत्ते कि दस देना सीएम चन्नी नूं कि मैं बठिंडा तो सुरक्षित वापस परत गया। सो एक वड्डा लैप्स सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि रैली होनी, रैली तो बाद कदे 15-20 मिनट का समा लगना कि हुसैनीवाला तो निकल चुके हैं और 15-20 मिनट लगनगे, पर उस तो बाद अचनचेत खबर आ जानी कि रैली रद्द हो गई है, और रैली रद्द होने तो बाद सोशल मीडिया के उत्ते तस्वीर आ गई कि 15-20 मिनट का जोड़ा एक काफिला रोक ही रख्या। सो एक बहुत वड्डा सवाल है पंजाब सरकार के उत्ते भी इस समय सुरक्षा प्रबंधन लैके सवाल है। JP नड्डा जिहड़े BJP प्रधान ने उन्होंने भी कहा कि कितने पुख्ता प्रबंध किए गए, क्योंकि एक काफिला निकलना सुरक्षा कितने देखी गई। सो सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर भी आ रही है कि SSP जिहड़े ने फिरोजपुर के उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया गया है, हालांकि एक तरीके दे नाले बहुत सारिया खबर हुण निकल के आउणगियां कि कितने क्यों किस तरीके दे नाल इह सब कुछ होया, कितने उणताई रही। सोशल मीडिया के उत्ते लगातार जिहड़ियां वीडियोज़ ने वो वायरल हो रही हैं। एक वीडियो के विच इह दस्सिया जा रहा है कि फिरोजपुर तो महज 10 किलोमीटर उरे जिहड़ा है कि एक आम गड्डी नूं जाण दित्ता जांदा, जदों असीं पीएम सुरक्षा की गल करते हैं तो रडार के उत्ते लगातार सारिया चीज़ां रखी जांदियां ने और जैमर लगाए जांदे ने, सिक्योरिटी जिहड़े अरेंजमेंट ने उन्हां दा जायजा लिया जांदा, पर एक समय की वड्डी खबर है 15-20 मिनट तक काफिला रुकना अपने आप दे विच सवालिया निशान है, और पीएम मोदी की सिक्योरिटी नूं लैके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी पंजाब सरकार तो एक जवाब मंगया आया। तुहानू सुणाउने आ कि बहुत सारे नेता जिहड़े ने अगे आ के कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स किथे रहा, फिलहाल राजकुमार वीरका की कह रहे हैं तुहानू सुणाउने आ। मोदी साहब की रैली रद्द होने पर होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार का इल्जाम बेबुनियाद है और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री जी पूरी रात भर जो है रिव्यू करते रहे हैं। अचानक मौसम खराब हुआ और उन्हें बाई रोड जाना पड़ा, रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया हुआ था जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है, और यहाँ तक रैली का रद्द होने का सवाल है क्योंकि BJP से लोग इकट्ठे ही नहीं हुए, वो रैली फ्लॉप हो चुकी थी, फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने को रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई थी, अचानक प्रदर्शनकारी रास्ते में आए हैं वो प्रॉब्लम जरूर हुई है क्योंकि BJP के खिलाफ लोगों को भारी गुस्सा है। मोदी साहब की रैली रद्द होने पर होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को तुसी देख सकते हो कि राजकुमार वेरका भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दे जड़े आ एक अहम मौके बदलाव होया, उस करके जड़ी सिक्योरिटी है उहदे विच किते ना किते लैप्स हो सकता, पर सुरक्षा प्रबंध जड़े ने पंजाब सरकार वालों पुख्ता किए गए सीगे, मौसम का हवाला भी दिता गया किते ना किते, और एक तरीके नाल जैसे गल की जाए कि 15-20 मिनट एक काफिला रुकना अपने आप दे विच बहुत वड्डा सवाल है। जे असीं सुरक्षा प्रबंधा की गल करते हैं तो चाहे वह किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो जाए, सुरक्षा प्रबंध वह कहें कि MLA नूं भी चाहिए ने, BJP बहुत सारे लीडर यह कह रहे हैं कि जो कोई MLA भी कितने
निकलता है तो सुरक्षा प्रबंध वो भी लुड़ेंगे ने। फिर जो असं प्रधान सेवक की गल करते हैं, पीएम मोदी की गल कर रहे हैं, कहें कि फिर एड्डी वड्डी कुताही किवें हो सकती है कि 15 to 20 मिनट तक जो काफिला है उन्होंने रोकया जाए और उस तो बाद कुछ भी जो अजिहा ना किया जाए पंजाब सरकार वालों या फिर वो एस एडमिनिस्ट्रेटिव वालों जी ये जिम्मेवारी बनती सी कि उन्होंने सुरक्षा जी है उन्होंने हाथ में सके। सो एन आई का ट्वीट जो लगातार स्क्रीन के उत्ते देख रहे हो वो भी लिखा गया आ पीएम मोदी ने जिम्मे उन्होंने ऑफिशियल्स में दसिया आ एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स में कि अपने सीएम को दस दौ कि मैं बठिंडा तो सुरक्षित वापस जा लिया गया। एक तरीके का तंज कसिया उन्होंने क्योंकि 15 to 20 मिनट रुकना और कह जा रहा है कि पहला मौसम खराब करके जो हुसैनीवाला तो निकलते हैं उन्होंने 10 मिनट तक जो मौसम सही होने का जो इंतजार भी किया फिर उस तो बाद निकलते हैं और उस तो बाद खबर आनी शुरू हो गई कि रैली जी है उसके संबोधन नहीं कर सकेंगे और यह मुलतवी कर दी जाती है, रद्द नहीं मुलतवी की जाती है। बीजेपी के जो स्पोक परसन से जो स्टेज तो बोल रहे थे कहते मुलतवी कर दी गई है हालांकि रद्द नहीं की गई पर उस तो बाद लगातार फोटो जड़िया ने वीडियोज़ ने वायरल होनिया शुरू हो गया कि 15 to 20 मिनट का जो काफिला आया पीएम मोदी का रोकया गया। सो इस तरीके वड्डियां खबर जड़िया ने हुण सामने निकल के आ रही ने इस तरीके के उत्ते एक वड्डी खबर बन जाती है कि जो असं कहने कि सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस गल का जवाब मंग रहे हैं कि एक प्रधान सेवक जो असं कहने कि बहुत वड्डे लीडर नाम जुड़ता है और उन्होंने लीडर के शुमार होंगे ने पहली कतार के लीडर के शुमार होंगे ने भारत दया जब उन्होंने काफले की सिक्योरिटी नहीं है तो फिर असी बाकिया सुरक्षा के उत्ते किवें जड़ा है यकीन कर सकते हैं। सो एक तरीके वड्डी खबर है 15 to 20 मिनट तक काफिला रोका गया हालांकि खबर यह भी आ रही कि काफिला जोड़ा से किसानी विरोध करके रोकया गया और मौसम खराब होने करके इस थोड़ा जहा समा लग गया क्लीयर कराने पर यह सवाल किदा उठा सकते हैं क्योंकि 15 to 20 मिनट बहुत लंबा समा आ और असी सिक्योरिटी की गल करते हैं और प्रधान सेवक की गल करते हैं और वड्डे लीडर की गल करते हैं भारत के तो उन्होंने 15-20 मिनट लगने अपने आप एक वड्डा सवाल जोड़ा आ लगता है। सो इस समय की वड्डी जी एक कह लो कि वड्डी खबर आ और पंजाब सरकार तो जवाब भी मंगया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस दे चलदे आ कि किवें इस सारी कुताई हो सकती है। बीजेपी प्रधान जेपी नड्डा भी गल कर रहे हैं इस तो बाद बहुत सारे होर लीडर जड़े ने मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस गल के उत्ते जड़ा दस्या कि किवें एड्डी वड्डी कुताही हो सकती है। तुहानू मनजिंदर सिंह सिरसा की जी बाइट वह भी सुनाने कि वह इस वड्डी कुताही नूं लैके की कह रहे हैं। पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइंड मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था, हमें पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। यह वो चीज है जो पाकिस्तान और ISI चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो ISI और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी, हाज पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइंड मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था, हमने पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। ठीक है, हाँ, कर लिया। इस समय मेरे तो लुधियाना, इस समय मेरे नाल लुधियाना दे MP ने रवनीत बिट्टू जी, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। किवें देखते हो पहला इस मसले को कि 15 to 20 मिनट काफिला रुकना और उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर हुण राष्ट्रपति राज जिहड़ा है वो लागू करने की मांग कर रहे हैं, किवें देखते हो तुसीं? देखो पहली गल तां जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने वो देश दे ने, इस करके जी पुलिस फोर्सेस ने वो सारिया थोनों पता वो देश के स्टेट्स दियां ने, वो किसी कांग्रेस की या BJP की तो है नहीं गिया, उन्होंने तो
हरेक एक नागरिक तो लैके प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने उन्होंने जान माल का राखी करनी है। एक गल ठीक है जो प्राइम मिनिस्टर मैं देख रहे हैं चैनल से कितने ना कितने क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो प्रोटेक्ट ही है एस पी जी का स्पैशल प्रोटेक्शन ग्रुप उन्होंने अलग ब्ल्यू बुक होंगी है ब्ल्यू बुक के हिसाब न चलता सारा काम पर उन्होंने आप ही ब्रेक किया है जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर ने कल्ली गड्डी दे विच है तुसीं देखिया ना उन्होंने नाल उन्हों का जैमर आ ना उन्होंने रेंज रोवर ना उन्होंने लैंड क्रूजर ने ना उन्होंने एंबूलेंस जी मर्सिडीज दियां हुंदियां वह कोई भी कल्ली गड्डी च आए। दूजी दो तीन गल्लां हुण इस इन्वेस्टिगेशन मूहरे आउणगियां भी की उन्होंने दिमाग च आया। एक तो रैली पूरे खाली पई सी वो रैली च या मीडिया सी जां कैप्टन अमरिंदर सिंह होर तो कोई है नहीं सी इस करके उन्हों का मुड़ना वापस ये मैं मानना भी यह तो इन्वेस्टिगेशन होएगी भी ये पुल से खड़न तक ये प्राइम मिनिस्टर की खैर रोड है जी क्लीयर होंगी है आम तौर से पर उधरों बारिश हो गए देश पाकिस्तान इधर नाल हो बॉर्डर से किसानों का एजुकेशन चलता होना लंबा सफर प्राइम मिनिस्टर आम तौर पर कभी गड्डिया तय करते नहीं गए कि क्यों किया एस पी जी की रिपोर्ट की आएगी होम मिनिस्ट्री की आएगी गल सामने आनगियां ये तो मनना पेगा भी सिक्योरिटी ब्रीच का यह है। अच्छा। किस पासे उन्होंने एम एच ए वालों आ एस पी जी वालों आ की आ क्योंकि उन्होंने कोआर्डिनेट करना होंगे आईपीएस ऑफिसर ने पंजाब के आईपीएस ऑफिसर जो इंडियन पुलिस सर्विस में होंगे आ इस करके हर एक बैच के इकट्ठे अफसर होंगे आ इस कोई पोलिटिकल कोई सीएम ने तो रूट लाना नहीं होंगे जी इस करके तीनों एजेंसियों का जो आई पी का पंजाब इंटेलीजेंस का एस पी जी का होम मिनिस्ट्री है सारे ने इकट्ठे होकर काम करना होंगे इस की कितने की कमी रही है लंबी जाऊगी। अच्छा जो तुसी तुसी पुछ रहे हो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो राष्ट्रपति राज की गल करते हैं जी हूँ वो तुम आप देख रहे हो मैं तो हम चंगा नहीं लगता एडे बजुर्ग ने वो कले खड़े कांग्रेस दरासियां जिड़िया पांच चार साल साढ़े चार साल दिन चले वो गणाते रहे ने खड़े भी मैं आप पेंशन इन्नी बधाई मैं शगन स्कीम इन्नी बधाई इन्ना की तो टोटल कांग्रेस का जिहड़ा कार्यकार सी वो उत्थे बोलते रहे मैं लगता भुल गए किसी भी वो हुण बीजेपी की स्टेज तो बोल रहे हैं और राष्ट्रपति लागू उन्होंने तो देखो गुस्सा है ही उन्होंने मन का जो उन्होंने इस गड्डी तो हटाया उन्होंने भारा तो पंजाब कितने भी कितने जाए उन्होंने इस वे अपनी कुर्सी का जोड़ा गुस्सा है बजुर्ग होके दोबारा जो की कहा बड़े उम्र दे ने कोई शब्द कहते भी चुन लगे गलती ना हो जाए ता मैं कह नहीं रहा पर राष्ट्रपति एक पंजाब के लोगों के राष्ट्रपति लाना राज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 7.5 ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ हिमायत की जो अज भी स्टेज तो बोलते तो उन्होंने सरहद की सुरक्षा की गल की और उस तो बाद लगातार कह रहे हैं कि पंजाब को खतरा है फिर हुण राष्ट्रपति राज लागू क्योंकि जो राजनेता से पहला कह रहे थे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता जिवें मोदी साहब की रैली जी खत्म होंगी है फिर उस तो बाद यह भी कहा जाता है कि चोणा अगे भी हो सकते हैं तुहानूं लगता है कि गिणी मिथियां चीज़ा जो हो रही पंजाब के अंदर देखो चोणा चाहना तो अलग एक इलेक्शन कमीशन आ कल ही उन्होंने सुन रहा है जो पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कहा भी टाइम पर हो संवैधानिक चीजा ने 27 मार्च तो पहला सरकार नवी बननी बननी है कोई नहीं कर सकता बट आ जी गल है ना एडे वे कदावर लीडर ने जोड़े जिन्होंने सब कुछ देखा है राष्ट्रपति राज मैं अफसरशाही भी साड़ी वो होंगी है पर जरा पंजाब आप करजे की गल करते हैं ना भी 5 लाख करोड़ करजा है या पंजाब अच पिछे रह गया ये वो राष्ट्रपति देने की ना उन्हें उन्हें जड़ता वो भी उदों का लग्या हो
ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਢ ਬਣ ਕੇ ਬੰਨ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਦਾਰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੜਚਣ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਅੜਚਣ ਰੁਕਣਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਧੀਆ ਕਣੀਆਂ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ